अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है एक्सक्रीशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सक्रीशन होती क्या है। रिमूवल ऑफ वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। रिमूवल ऑफ वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स, अब वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? मेटाबोलाइट्स वो प्रोडक्ट होती है जो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बनती है। अब मेटाबॉलिज्म क्या है? वो केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन, उनको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। इसके अंदर दो तरह के रिएक्शन आते हैं, कैटा और एना। कैटा के अंदर लार्ज मॉलिक्यूल टूट के सिंपल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और एना के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इन बायोकेमिकल रिएक्शन के नतीजे में, यानी कि मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनती है, उसको हम कहते हैं वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स। और ये वेस्टफुल प्रोडक्ट क्योंकि हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होती है, हम इसको अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, और इस निकालने के अमल को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। अब वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स खसूसी तौर पे जो इसमें इंक्लूड है वो है नाइट्रोजिनस वेस्ट, क्योंकि नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अब वेस्ट प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हो सकती हैं? सबसे पहले तो हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो कि बनती हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स। जब लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट बनती हैं। इसके अलावा जब प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म होती है तो हमारे पास नाइट्रोजन जो है, जिसको हम नाइट्रोजनस वेस्ट कह रहे हैं, ये एक वेस्टफुल मेटाबोलाइट होता है। ये तो होगी एनिमल्स की बात। नेक्स्ट हम करते हैं प्लांट्स की बात। प्लांट्स के अंदर जो है कौन कौन से वेस्टफुल प्रोडक्ट हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल, प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो हमें पता है कि वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो उनकी फोटोसिंथेसिस के दौरान जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो है ऑक्सीजन। इसके अलावा जब वो रेस्पिरेशन का अमल करते हैं तब भी उनकी बॉडी वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स एक्सक्रीट करती है, वो कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अलग अलग मैकेनिज्म हैं अपनी बॉडी से वेस्टफुल प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने के, और इसी को एलिमिनेशन को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। इसके अलावा प्लांट्स के पास काफ़ी सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी स्टोर होते हैं, वो उन्हें काफ़ी सारे मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, और अगर वो एक्स्ट्रा मकदार में हों तो वो उन्हें अपनी बॉडी से एलिमिनेट कर देते हैं।